राधे राधे दोस्तों। ये देखिए, जब से कृष्ण नगर में कोरोना पॉजिटिव मरीज निकला 25 को पता चला शाम को, तब से आज 29 तारीख हो गया। इतने दिनों में ये साग सब्जी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, कहे कि मेरे को इसकी पूरी जानकारी है कि कौन रोग में कैसे पत्ती होती हैं, क्या होती हैं, क्या दवाई छिटना चाहिए, वो पूरे आइडियाज मेरे पास है। कहे कि मैं एक किसान का बेटा हूँ और माटी से जुड़ा हूँ आदमी हूँ, तो मेरे को पूरी जानकारी पता है। लेकिन इन 5 दिनों में मेरे लिए एक भी इस मेरे साग सब्जी को देखने के लिए थोड़ा भी समय नहीं था, जिसकी वजह से इसमें देखिए वायरस के चलते पत्ती पीलापन आ गया है, फंगीसाइड इसमें छिटना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं छिट सकूं। आज मेरे पास कुछ समय बचा है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूं। कहे कि आज मास्क अपने पास है ही नहीं, कुछ 8-9-10 साबुन होंगे, वो तो तुरंत ही लोगों तक पहुंच के दे दिया जा सकता है। देखिए पूरी फंगीसाइड की कमी की वजह से पूरे पत्ती मेरे फसल बर्बाद हो चुकी इन 5 दिनों में। अगर सरकार जनप्रतिनिधि अपना कार्य करती है तो मैं ये अपनी फसल को बचा सकता था। अगर मैं यह इसको नहीं बचाता हूं तो ज्यादा से ज्यादा मेरे को कुछ दिनों तक खीरा नहीं खा पाऊंगा या खरीद के खाना पड़ेगा, खुद का किया हुआ नहीं खा पाऊंगा। ये देखिए भिंडी कैसे हो गया है कीड़ा लग के इन 4-5 दिनों में, और किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास आइडिया नहीं है कि वो इसमें दवाई छींटे, इसको ठीक करे। एक मैं ही हूँ जो इस दवाइयों इनके बारे में पूर्ण जानकारी है कि किस रोग में किस कीड़ा के लिए कौन सी दवाई होती है, लेकिन ये मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। लोगों को जागरूक करना भी कोरोना के खिलाफ जरूरी है, वो इन सभी से मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि मैं लोगों को जागरूक करूं। क्या होगा ज्यादा ज्यादा कुछ दिन के लिए भिंडी सब्जी नमक भात खाना पड़ेगा। हम तो देहात वाले हैं, हम तो नमक भात ही अधिकतर खाते हैं। ये देखिए इन तरबूज को लारेंगों को भी कोई सीधा नहीं किया, सब अव्यवस्थित हैं। अब मेरे पास समय की कमी, अभी भी सुबह सुबह उठा हूँ इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद अभी तुरंत ब्रश व्रश करके मास्क वितरण करना था, लेकिन है नहीं, साबुन कुछ बचे हैं उसको ही बांटेंगे। ये देखिए इसको दोबारा लगाया गया है, एक बार पानी में बर्बाद हो चुका पूरा। ये देखिए छोटा छोटा इसमें फल आ गया है, इसमें एडमायर और विटामिन की जरूरत है, लेकिन किसी के पास टाइम ही नहीं है जो ये सब करे। ये मेरे सबसे छोटे भाई का लगाया हुआ खीरा, हम लोग रस्सी भी लगा सकते थे इसमें गाड़ के, लेकिन देहाती हैं तो देहाती जुगाड़ बनाए हैं कि भाई कैसे किया जाए, देहाती क्यों खर्च करें हम रस्सी लगाने में, जब हमारे घर सुविधा है तो भले कम फायदा हो लेकिन खर्च तो नहीं बढ़ रहा है। किसान को चाहिए कि कम खर्चों में अधिक प्रॉफिट करे। और ये है मेरा लगाया हुआ, इसको मेरे द्वारा लगाया गया, ये भी इसमें भी फंगीसाइड और विटामिन की जरूरत है, पूरा रो रहा है ये देहाती स्टाइल, इसको झांकी बोलते हैं, और बंगाली स्टाइल में तार में इनको ऊपर पहुंचाया जाता है। खीरा जरूरत हो तो बताइएगा, दे सकता हूं मैं भी। ये देखिए दो डबल डबल बिना देख रेख में कैसे हो गया है। ये मेरे द्वारा इसको देख रेख किया जाता है, लेकिन 5 दिनों तक इनको एक भी समय नहीं दे पाया हूँ। ये देखिए मेरे खीरे की फसल इतना बड़ा हो गया है, इसको कोई तोड़बो नहीं किया है, इतना बढ़ गया। ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, इसमें एडमायर वगैरह की जरूरत है, फंगीसाइड। ये सोलर हम लोग का, ये मेरा डोगी 5 दिन से बंधा रहता है। ये देखिए खीरा, हम देहाती लोग के पास भी आइडिया होती है, हम क्यों खर्चा करें भाई, पैसा क्यों लगाएं, जो हमारे काम बिन पैसे लगाई हो सकता है झांकिए से, तो हम कहे तार खरीदने जाएंगे, बताइए।
ये देखिए मेरा वाला फसल को दिखा रहा हूँ। ये मेरे भाई का है, सबसे छोटा वाला भाई का। ये कैसे झांकी गाड़ दिया है, किस जगह मेरे टाइप से नहीं किया है, इधर इसका नहीं बन रहा है। भाई साहब का फसल का फल। अरे मेरे वाले का ये देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे पत्ती में पीलापन आ गया है। ब्लू कापर, मिलोडी ड्यू, रेडो मिल गोल्ड आदि छींटने के लिए बोल रहा है ये। ये देखिए लारंग देखिए, चलने के लिए नहीं बन रहा है इसमें पूरा इधर उधर। किसी के पास समय ही नहीं है, ये मेरे अंडर का काम था, आपको इसको करिए नहीं रहा है तो अब क्या करूं। देखता हूँ कितने दिन और बिजी रहना पड़ेगा उधर, कितने दिन बाद में इसमें फिर कर सकता हूँ। वो देखिए आम का पेड़ दूर में जो दिख रहे हैं। पास में जाके दिखाता हूँ आपको कितना मेहनत करके उसको बचाया हूँ, मैं ही जान रहा हूँ। ये देखिए जब इसमें मंजर आने लगती है तब एडमायर और कोई सा भी विटामिन आप इसमें छिटे सकते हैं। एडमायर ना भी छिटे तो कोई भी मक्खी मारने वाला छिट सकते हैं। ये इतना बचा पाए हूँ आंधी तूफान में, अब पता नहीं कितना बचेगा। अरे मुंगे की बहुत मेहनत इसमें भी है, अगर मैं नहीं छिड़कता तो उस पेड़ के टाइप से हो जाता है। उसमें देखिए फल की कमी। ये एलोवेरा का पौधा और थी लेकिन हाथ तक की जुड़ाई की टाइम बर्बाद हो गई और इसमें घास मार दवाई छिट दिया था तो इसे हो गया। ये देखिए नेपियर घास लगाए हैं गरु को खिलाने के लिए। स्पेशली इसीलिए किसी को घास वास नहीं काटने देते हैं हम लोग अपना। इसकी जड़ें देखिए कैसी निकलती हैं। ये है आम का पेड़ और एक इसमें छूटते नहीं बना, टूट भी गया इधर का। अमोर सामान मन के इन्हें उन्हें कर दे वाला होम क्वारंटीन हो आओ इन्हें वो तो हो जाए नहीं तो में पहुंचा नहीं दे वाला उन्हें लचके क्या मोर सामान के कहे ले आना ला, बाल्टी ले आना सबके ले आना तहा कहा फिर मैं बढ़िया तेकरे नहीं उन्हें हो बाहर कै गो लोग से भेटात रहा हूँ आओ तो बाल्टी तुम इनके मिलबे नहीं करे दोसर ओकरे ले आनिया कहीं ले रहा हूँ तो ये के ले आनिया। नींद इलो यहाँ ऐसा गर्म लाग रहे लेकिन राति एकदम लीची का पेड़ टूट काट के खा के खत्म।